तो स्वागत है आपका क्रिकबाजी की एक और फ्रेश वीडियो में। और आज फिर से मैं एक बहुत ही रिस्की काम करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं हर आईपीएल टीम से वो एक फास्ट बॉलर जो उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और ये रिस्की काम इसीलिए है क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद बहुत सारे लोग फिर कमेंट में आएंगे, कहेंगे भाई इसका नाम नहीं लिया, भाई इसका नाम नहीं लिया। तो भाई थोड़ा सा चिल करना, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं जानता हूं आपकी भी कोई पर्सनल चॉइस होगी, कोई भी रुकावट नहीं है। कमेंट में आए, जितना लिखना है लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। कि जिसको मेरी चॉइस पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसा नहीं कि जिसको नहीं पसंद आए वो वीडियो को डिसलाइक कर दे, यार भाई है तुम्हारे। तो भाई जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो उन्हें एडवांस में हैप्पी होली, क्योंकि भैया होली आने वाली है, रंगों का त्योहार है। और अपनी क्रिकेट की होली आएगी 26 तारीख को जब आईपीएल शुरू होगी, क्योंकि तब बल्लों से निकलेगी रनों की पिचकारी और बॉलों को बैट्समैन फोड़ेंगे जैसे पानी वाले गुब्बारे। तो भैया 26 तारीख से आप भी शामिल होने के लिए तैयार रहिए होली मिलन के इस रंगारंग कार्यक्रम में, जहां हर कलर की जर्सी होगी, हर तरीके के प्लेयर्स होंगे और भैया आएगा मजा ही मजा। लेकिन फिर से थोड़े से मजे की तरफ हम भी बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली टीम से, जिसका नाम है नन अदर देन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जैसा कि आरसीबी में बहुत ही कमाल के बॉलर हैं, हेजलवुड भी हैं, हर्षल पटेल भी हैं, उसके बाद सिराज भी हैं, बट जब बात आएगी एक बॉलर को चुनने की जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो आंख बंद करके मैं हाथ रखूंगा हर्षल पटेल पे। क्योंकि भैया चीते की चाल, बाज की नजर और हर्षल पटेल की स्लोअर पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। हमने पिछली आईपीएल में देखा हर्षल पटेल की स्लोअर बंद कहले या बैक हैंड कहले या कटर कहले कितना ज्यादा किसी भी बैट्समैन को धोखा दे सकती है, ये सब कोई जानता है भैया। मतलब आखिरी के ओवर्स में हर्षल पटेल को बाउंड्रीज मारना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या कमाल की वो जो स्लोअर वन डालते हैं, मतलब मैं दीवाना हूं उसका, कि कोई भी बैट्समैन कैसा भी शॉट मारने के लिए जाए भैया बॉल हमेशा हवा में उछलती है। इसलिए आरसीबी से आंख बंद करके जो मैं नाम लेना चाहूंगा जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, अगर वो चल गए तो मतलब आरसीबी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और वो एक ही नाम है, वो है हर्षल पटेल। आगे बढ़े केकेआर की तरफ, थोड़ा सा इनको लेके ये चीज डाइसी है कि ये पता नहीं कितने मैचेस बाद केकेआर के लिए जुड़ेंगे, बट फिर भी यहां पे जब बात आती है एक नाम लेने की, तो फिर से जो मैं नाम लूंगा वो होगा पैट कमिंस का। देखिए जाहिर सी बात है, अभी तक जो पैट कमिंस का आईपीएल कैरियर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता रहा है, बट इस बार पूरी उम्मीद लगाए बैठा है केकेआर कि कमिंस भैया एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे, जहां वो फॉर्म में भी हैं और अब तो कप्तान भी बन गए ऑस्ट्रेलिया के। तो कहीं ना कहीं वही थोड़ा सा एक रौद्र रूप अगर उन्होंने केकेआर के लिए दिखा दिया, तो केकेआर को तीसरी बार चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे बढ़े अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ, तो थोड़ी सी जैसा मैं बहुत वीडियो से कहता आ रहा हूं कि इस बार बॉलिंग लाइनअप जो चेन्नई का है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, और उसके बाद से जब से खबर ये आई है कि दीपक चहर थोड़ी सी आईपीएल के अवेलेबल नहीं रहेंगे, अगर दीपक चहर अवेलेबल रहते तो आंख बंद करके मैं ये कह देता कि भैया दीपक चहर ही इनके सबसे बड़े पेस बॉलर होंगे, बट अब जब दीपक चहर नहीं है तो थोड़ा सा मैं भी संकोच में हूं कि भाई किसे रखूं, क्योंकि बहुत कोई बड़ा नाम यहां पे नहीं है। बट फिर भी जब बात आएगी एक नाम चुनने की दीपक चहर के बाद, तो मैं एक नाम जो लूंगा वो होगा ड्वेन ब्रेवो का। माना कि थोड़ी सी उम्र हो चुकी है, थोड़े से वो पुराने हो चुके हैं भैया, पर शेर बूढ़ा हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि शिकार करना भूल गया है। अब प्रस्थान करते करते हम चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, तो यहां भी जैसा हमने देखा कि एनरिच नॉर्किया इनके एक नंबर के बॉलर है, पर यहां पे भी ये चीज बड़ी डाउटफुल है कि नॉर्किया आईपीएल में आएंगे भी या नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं ये 50-60% कंफर्म है कि नॉर्किया पूरी आईपीएल में ही शायद हमें देखने को ना मिले। अगर नॉर्किया खेल रहे होते तो भैया जैसा मैंने कहा ये भी आंख बंद करके मेरी पहली चॉइस होते, बट अगर हम इन्हें इग्नोर करें तो उसके बाद जो नंबर वन पेसर दिल्ली कैपिटल के लिए मुझे लगता है साबित हो सकते हैं वो है नन अदर देन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो लॉर्ड है, उनके साथ एक बड़ा ही कमाल का ऊपर वाले का हाथ रहता है कि उनको कभी भी बॉलिंग दो, चाहे शुरुआत में दो, चाहे बीच में दो, चाहे एंड में दो, उसको विकेट मिल जाते हैं। पता नहीं चलता कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, पर मिल जाते हैं। अगर किसी ने डेडपूल 2 देखी हो ना, उसमें एक बंदी की सुपर पावर ये होती है कि उसका लक बहुत अच्छा होता है, सेम केस मुझे इसके साथ नजर आता है कई बार। मतलब जाहिर सी बात है शार्दुल ठाकुर की एक उसके पीछे मेहनत है, कड़ी प्रैक्टिस है, कड़ा संघर्ष है, बट एक अलग सी अंदर सी फीलिंग आती है कि भाई इसका ऊपर वाला साथ दे रहा है। तो अब चलते हैं अपनी पांचवी टीम की तरफ, जो है मुंबई इंडियंस, जहां पे मुझे 1% के लिए भी ये सोचना नहीं पड़ा कि भाई कोई और नाम हो सकता है, क्योंकि यहां तो भैया अपने जसप्रीत बुमराह हैं, और जहां बुमराह हो तो वहां क्या ही सोचना कि भाई इसका नाम होना चाहिए या उसका नाम होना चाहिए, भाई क्योंकि वहां बुमराह है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वहां बुमराह है। किसी भी टीम में बुमराह की होने की सबसे अच्छी खास बात यही है कि वो आपको गुमराह नहीं होने देंगे ये सोचने के लिए कि उनसे भी अच्छा कोई बॉलर हो सकता है, क्योंकि वो बुमराह हैं। तो अब चलते हैं अपनी छठी टीम की तरफ, बट उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है, क्या हो अगर आपको दुनिया भर के लोगों के साथ लाइव गेम्स खेल के पैसे मिलने लगे, कमाल हो जाएगा ना। तो अगर आप भी इस कमाल को अनुभव करना चाहते हैं तो अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां ऐसे ही कई कैजुअल गेम्स हैं जैसे लूडो, कैरम, 8 बॉल पूल, रमी, पोकर, क्रिकेट, जिन्हें आप लाइव दुनिया भर के लोगों के साथ
खेल लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। और उससे भी कमाल की बात यह है कि ये सभी गेम्स आप जितना चाहे फ्री में भी लाइव खेल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप अभी डाउनलोड करें और चेकआउट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी ज्वाइन कर लें, जहां मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज लाता रहता हूं। तो चेकआउट नाउ। खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो बिना विलंब करें आप चलते हैं अपनी छठी टीम की तरफ, जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स। और यहां पे भी देखिए, मुझे दो बॉलरों में थोड़ा सा डाउट था कि भाई इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर पेसर साबित हो सकता है राजस्थान के लिए, और वो दो नाम थे बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा। बट बहुत ज्यादा गणित करने के बाद, बहुत देर के लिए आर्यभट्ट बनने के बाद, जो एक नाम मैंने डिसाइड किया मेरे अकॉर्डिंग, वो होंगे ट्रेंट बोल्ट। क्योंकि अभी भी प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ी सी और प्रसिद्धि लेने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा और सीखने में टाइम लगेगा, बट बोल्ट बहुत ज्यादा अनुभवी है और बहुत बड़ा काम कर चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए पास्ट में। वो भी उन्होंने अपनी पहचान एक अलग तब बनाई जब उनकी टीम में ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह थे। तो अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि राजस्थान के लिए पूरे तरीके से वो एक लीड बॉलर का रोल प्ले करेंगे, और हम उनको पूरे तरीके से बधाई देते हैं कि वो ऐसा करने में सफल रहे और राजस्थान को और आगे लेके जाएं। तो अब चले अगर अपनी सातवीं टीम की तरफ, जो है सनराइजर हैदराबाद, जहां मुझे फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन था तीन बॉलरों के बीच। पहला भुवनेश्वर कुमार, दूसरे थे आपके उमरान मलिक और तीसरे थे टी नटराजन। टी नटराजन बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है, उमरान मलिक को बहुत ज्यादा नहीं देखा है, जाहिर सी बात है उन्होंने पिछले सीजन में एक छाप छोड़ी थी, बट फिर भी बहुत ही अभी कम मैचेस खेले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई ओल्ड इज गोल्ड, तो भैया लगा दो मोहर भुवनेश्वर कुमार पे। और भुवनेश्वर कुमार ने पिछले कुछ एक डेढ़ महीने में वापस से कहीं ना कहीं अपना फॉर्म को रिगेन किया है, खासकर T20 में। अगर वही फॉर्म लेके वो SRH में उतर गए तो भैया SRH की मतलब मजा आने वाली है, क्योंकि अगर भुवनेश्वर कुमार वापस से अपनी उस स्विंग पे आ गए ना, तो शुरू के दो ओवरों में भैया दो विकेट भुवनेश्वर कुमार अपने घर से लेके आते हैं। तो चलें अगर अपनी आठवीं टीम की तरफ, जो है किंग्स इलेवन पंजाब, तो यहां भी मुझे एक बॉलर का नाम सोचने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि फिर से यहां पे मेन बॉलर्स की लिस्ट में मुझे बहुत बड़े बड़े नाम नहीं दिखे, और आंख बंद करके जब मैंने एक नाम देखा, मतलब बड़ी कमाल की बात कही मैंने कि भैया आंख बंद करके मैंने एक नाम देखा, मतलब आंख बंद करके जब मैंने एक नाम सोचा, तो वो एक नाम जो सूझा मुझे वो एक नाम था रबाडा। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रबाडा एक बार ऑलरेडी पर्पल कैप रह चुके हैं, भले ये भी सच है कि पिछले कुछ टाइम से थोड़े से रबाडा वो वाले रबाडा नहीं रहे हैं जो रबाडा वो हुआ करते थे, बट हम उम्मीद करेंगे कि वो जैसे भी रबाडा थे वैसे रबाडा बन के भी आ जाए, तो फिर भी रबाडा तो रबाडा ही रहेंगे। और खासकर जैसा मैंने कहा, इनका बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए रबाडा ही इनके लिए सब कुछ होंगे। तो अब चले अगर अपनी नवी टीम की तरफ, लखनऊ सुपर जायंट, तो यहां पर भी मुझे बहुत बड़ा कोई नाम नजर नहीं आ रहा था, भले ही बहुत बड़े बड़े नाम है, बट ज्यादातर जो इनके पेसर है वो ऑलराउंडर है, चाहे वो स्टोनिस हो चाहे वो होल्डर हो। बट इसलिए मैंने सोचा कि जो इनका फुल टाइम पेसर है, वो पूरा जो उसका दारोमदार रहने वाला है, वो रहने वाला है आवेश खान के हाथों में। मुझे लगता है ये पहला नाम होगा जो युवा है, जो यंग है अभी तक मैंने जितने भी नाम बताए। बट जैसा मैंने कहा, आवेश खान ने वो अपनी दावेदारी पिछले IPL में दिखाई थी कि वो क्या कमाल के गेंदबाज है, क्या कमाल की स्पीड है, क्या कमाल का कंट्रोल है, इसलिए पूरे तरीके से आंख बंद करके मैंने भाई बोला आवेश खान। और जैसा मैंने कहा, जो भी लोग डिसएग्री करते हैं कोई दिक्कत नहीं है भैया, वीडियो को तुमको भी लाइक करना है, बट कमेंट में आके अपना दूसरा नाम बता देना, पूरे तरीके से द्वार खुले हुए हैं कमेंट बॉक्स के। और अब चले अगर अपनी लास्ट टीम की तरफ, वो है गुजरात टाइटंस, और वहां भी ये नाम मुझे सोचने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगा, जो सबसे बड़े पेसर साबित होंगे गुजरात टाइटंस के लिए, और वो होंगे मोहम्मद शामी। अब मुझे नहीं लगता गुजरात के लिए सबसे बड़े पेसर शामी क्यों साबित होंगे, ये मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि भैया पिछली IPL में जो शामी ने किया है ना पंजाब के लिए, मतलब वो शब्दों में बताने योग्य नहीं, जबकि पंजाब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी पूरे बॉलिंग का जो जिम्मा लिया हुआ था वो सिर्फ एक बंदे के भरोसे था, और वो थे मोहम्मद शामी। इसलिए फिर से गुजरात में भले ही बहुत बड़ा नाम है स्पिनर के नाम पे राशिद खान, जो सबसे मेन बॉलर कहीं ना कहीं साबित होंगे, बट जब हम बात करते हैं पेस की, तब मुझे लगता है एक ही नाम सारे गुजरात वालों के मन में आएगा, और वो एक नाम वही होगा मोहम्मद शामी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चॉइसेस आपको मेरी पसंद आई होगी, बट अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, क्योंकि भैया अभी तो बचे हैं आज के क्रिकेट स्टार, जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। तो उनका नाम है मिस्टर अभी, और वो पूछते हैं भाई आपको क्या लगता है माही भाई और कितने साल CSK के लिए खेलेंगे। तो भैया इस सवाल का जवाब तो थोड़ा सा दुखी करने वाला हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं 90% ये माही की आखिरी IPL होगी। हाँ मैं जानता हूं कि उन्होंने कहा था कि वो अपना आखिरी जो मैच खेलना चाहते हैं वो चेन्नई में खेलना चाहते हैं, बट क्या करें यार, कुछ चीजों का देखो एंड होता ही होता है, और जरूरी भी नहीं है कि हर चीज का एंड खुश करने वाला ही हो। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, माही भाई ने बहुत किया है चेन्नई के लिए, इंडिया के लिए, इसलिए अगर वो अब छोड़ भी देते हैं IPL को, तो हमें खुले दिल के साथ, भले ही थोड़े से आंसू होंगे आंखों में, बट एक स्माइल के साथ उन्हें विदा करना होगा। बट कोई दिक्कत नहीं है माही भाई, आप जहां भी रहेंगे हमारे दिल में आपकी जगह बनी रहेगी। अब भाई जवाब को सुनकर कमेंट में गरियाने
ताने मत लगना भाई, मेरे दिल की बात थी। वैसे आपको क्या लगता है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या माही भाई की आखिरी आईपीएल होगी। बट इससे भी जरूरी यही बताइएगा कि अगर अभी तक मैंने जितने भी टीम में जो मेन पेस बॉलर बताया, अगर आप लोग मेरी किसी चॉइस से डिसएग्री करते हैं और आपको लगता है ये नहीं ये होना चाहिए था या जो मैंने बोला है वही होना चाहिए था, कमेंट में खुल के बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो भाई सभी लोग करिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया लगातार धड़ाधड़ इतनी जबरदस्त वीडियोस ला रहे हैं, रेगुलर ला रहे हैं। अभी कुछ घंटे में एक और शाम को वीडियो आने वाली बड़ी ही कमाल की, जिसे देख के आप शायद थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे, बट वीडियो एक नंबर होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।